जानती हो प्रिया कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, लेकिन तुम जानोगी भी कैसे, क्योंकि आज तक मैंने तुमसे कुछ कहा ही नहीं। चलो आज तुमसे दिल की बात करी ले, दूर दूर तक फैली इस दिल की जमीन पर सिर्फ तुम्हारे ही कदमों की आहट सुनाई देती है। और जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, तुम मेरी पलकों पर अपनी चाहत के ख्वाब सजाने चली आती हो। प्रिया, आई लव यू। I love you too, Priya. I love you. 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 Thank you.
होश नहीं। बेटी एक जैसी हो, दोनों को किसी चीज की फिक्र रहती है क्या? अब पेपर लेकर बैठ गए हैं। अरे मैं कहती हूँ चाय पीनी है कि नहीं पीनी है? चाय ठंडी हो रही है भाई। अरे यार एक मिनट, क्या हो गया इस शहर को? आज फिर एक लड़की का मर्डर हो गया। कातिल पकड़ा गया? अभी तक तो नहीं, जहाँ देखो खून खराबा, रेप, मर्डर। अखबार के हर पन्ने पर सिर्फ बुरी खबर ही छपी। न जाने इस देश का क्या होगा, हमारे देश की पुलिस तो हाथ पे हाथ धरे बैठी है। साहब, कोई केके साहब आपसे मिलना चाहते हैं। केके तुम? हाँ मैं। तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? नाराज क्यों होते हैं वकील साहब, कभी कभी कुएं को भी प्यासे के पास आना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बैठने के लिए भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आप एक ऐसे आदर्शवादी इंसान, एक ऐसे आदर्शवादी वकील हैं जो हर मुजरिम से सख्त नफरत करते हैं। बेकार की बात छोड़ो केके, और मतलब की बात करो। इस शहर में आप ही एक ऐसे वकील हैं जो मेरा केस लड़ सकते हैं, और ये बात भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस शहर में मेरे लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये केस आप अपने हाथ में ले लें। तुम्हारे चाहने से क्या होता है? तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम जैसे मुजरिम का केस लूंगा? वकील साहब गुस्ताखी माफ, ये मुजरिम आपका मुंह मोतियों से भर सकता है, आपको आपके ईमान को खरीद सकता है। क्योंकि दौलत से मेरा ईमान खरीदने की कोशिश मत कर। शराफत इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना धक्के मार के अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। आप अपनी औकात से बढ़कर बात मत कीजिए, आप ये भूल रहे हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। हाँ मैं जानता हूँ, इस शहर के सबसे बड़े मुजरिम से बात कर रहा हूँ, जो दिन रात धरती माता का सौदा करता है। वकील साहब, गेट आउट ऑफ माय हाउस, आउट। आपने अपने घर में मेरी जो इज्जत अफजाई की है, उससे मैं सारी जिंदगी याद रखूंगा। कौन था ये? अपने आप को अंडरवर्ल्ड का डॉन समझता है केके। कौन केके? कृष्णकांत। कृष्णकांत? वो तो बड़ा ही खतरनाक आदमी है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात, कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं शहर में? राहुल कहाँ है? राहुल तो सुबह ही कॉलेज चला जाता है,
अच्छा तो आजकल साहब ज्यादा जल्दी कॉलेज चले जाते हैं। यार मुन्नू तू भी कमाल है यार, कुछ भी करता रहता है। आई एक सनी, हाँ बोल। वाव, व्हाट अ स्मार्ट गाय ना। हाँ यार वाकई स्मार्ट है। स्मार्ट गाय? एक्सक्यूज मी सर। यस रियली स्मार्ट गाय। थैंक यू थैंक यू। आप दूध की टक्कर देते हैं? अबे इधर आ। कौन? मैं। अबे तुझे इधर आ। ले भाई मुन्नू, एक और स्मार्ट गाय आ गया। हाँ दूध तो ये देगा नहीं। हाँ गोबर ही कितना देगा ये पूछ के आता हूँ मैं। आता हूँ मैं। क्यों बे, सुना है कॉलेज में बहुत लड़कियों को शेरो शायरी सुना रहे हैं? अरे जरा हमें भी तो सुना अपनी शायरी। अच्छा तो आप मेरी शायरी सुनना चाहते हैं? तो लीजिए सुनिए। जी चाहता है मैं आपकी ले लूं। क्या मुसीबतें तमाम को अदा वर्दे आपको देखकर उठता है मेरा। अभी क्या हाथ सलाम को अदा वर्दे जो बे मेरी मजाक उड़ाता है, अपने आप को कॉलेज के हीरो समझता है। हाँ तेरी तो ये रोनी चीज क्या यार, अपने आप को कॉलेज का दादा समझता है क्या? अरे छोड़ ना यार इसको, मैं तुम लोग को एक शेर सुनाता हूं। हटाई यार। यार मुन्नू तू एक काम कर यार, एक शेर अपने इस राहुल पर भी मार। क्या ये सड़क छाप शायर का शेर मारेगा मुझ पर? अच्छा तो ये बात है तो सुन। तो सुना। हाय वो रोज मिलते हैं मगर जलवा दिखाकर गुजर जाते हैं। क्या यार? हाय वो रोज मिलते हैं मगर जलवा दिखाकर गुजर जाते हैं। वाह 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 वाह। दिल हथेली पे लाते हैं ये, वाह। मगर वो ठोकर उड़ा कर चले जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह वाह। एक मिनट मैं जरा लाइब्रेरी जाके आती हूँ। ठीक है। तो फिर क्या है ख्याल, आज पूछी डाल प्रिया से अपने दिल का हाल। क्यों सनी? बिल्कुल बिल्कुल। मगर यार मैं जब भी अपने दिल की बात उससे करने जाता हूँ ना, मेरी तो हालत खराब हो जाती है यार। मेरी तो अबे तेरी तो फट जाती है। अबे नहीं यार फटती वटती कुछ नहीं है। वो क्या है ना कि मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ और कुछ नहीं है। एक बार मौका तो मिलने दे, फिर तू देख मैं क्या करता हूँ। हाँ
हाउ आर यू? आई एम फाइन, पर बेचारे राहुल की बहुत बुरी हालत है। उसकी छोड़, तू अपनी सुना। प्रिया मेरी जान, समझा कर, राहुल तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करता है। एक बार उसे बात करके तो देख, एक बार उसके प्यार को परख के तो देखो। अरे उसे परखने से है क्या? जब वो तुम्हारे प्यार में लड़की बन सकता है तो तुम? तेरा मतलब है मैं लड़का बन जाऊँ, यही कहना चाहती है ना तू? तो समझती क्यों नहीं प्रिया? मैं सब समझती हूँ, तू अब चल यहाँ से। दिल नहीं लगा रहा है? इसका दिल तो कहीं और लगा हुआ है। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। अबे तू भी आइटम है यार, अभी तक वहीं अटका है। अरे जाकर प्रपोज तो कर। हाँ तो हाँ, ना तो ना।
इसकी बॉल तो बास्केट में जाने से पहले ही फुस हो जाती है। अबे चुप, कोई फुसफुस नहीं होती। आज तू देखना मैं अपने दिल की बात कहकर ही रहूंगा। अच्छा, और क्या, तो आज बात करेगा ना? हाँ हाँ, पक्का पक्का। तो देख वो खड़ी है। अरे क्या हुआ, फुस हो गई इसकी। देख राहुल, अगर तूने प्रपोज नहीं किया तो तेरी मेरी दोस्ती यही खत्म। क्यों मुनो? बिल्कुल। तो ये बात है, तो जाऊं मैं? हाँ ठीक है। प्रिया, प्रिया, यस प्रिया, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या बात करना चाहते हो? वो क्या है ना, कैंटीन चले, एक एक कप चाय पीते हैं, वहीं बात भी कर लेंगे। तुमने मुझे बास्टर्ड कहा? वो तो मैं हूं। बहुत जल्दी है जाने की। अरे थोड़ा वक्त हमारे साथ भी तो गुजारो, आखिर हम भी तो तुम्हारे चाहने वालों में से हैं। रानी, लगता है तेरे माँ बाप ने तुझे ये नहीं सिखाया कि अपनी बहन के साथ में कैसे पेश आते हैं। क्या रे, तेरे दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की आदत गई नहीं? मैं तेरा थोबड़ा तोड़ दूंगा। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? तुझे झगड़ा बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। अबे जा साले, नहीं तो और मारूंगा। देख लूंगा साले, तुझे देख लूंगा। मिश्रा, मुझे तेरे फायदे नुकसान से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है तो सिर्फ मेरे पैसे से। इज्जत के साथ मेरा पैसा मुझे मिल जाना चाहिए, वरना तू तो अंडरवर्ल्ड के उसूल बहुत अच्छी तरह जानता है। अगर तेरे लिए मैं किसी की सुपारी ले सकता हूं तो तुझे मारने के लिए मुझे किसी को सुपारी देने की जरूरत नहीं है, समझा? अच्छी तरह समझ गया या हिंदी में समझाऊं? हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। दिलावर मियां, भाई वो राय का आदमी हमसे मिल तो गया है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो डबल क्रॉस कर दे। वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा, हमें अच्छी तरह जानता है वो। और छोटे कैसा है तू, आज कॉलेज नहीं गया? क्या बात है मेरे बच्चे, तेरा कुछ मूड ठीक नहीं है। नहीं भाई, आज मूड ठीक नहीं है। तेरा मूड ठीक करने की दवा है मेरे पास, दिलावर मियां। ये रही, ये है तेरी नई गाड़ी की चाबी। अबे पहले हंस तो दे। ये हमारा छुटका बड़ा चालू हो गया है। सलाम भाई। सलाम। ठीक है तू जा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई ये उबराय की बेटी की फोटो है। अच्छी है। अच्छी है। अच्छी है। देख।
भाई ये तो प्रिया है। तू इस लड़की को जानता है? हाँ भाई, कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते हैं। ओ भाई, पटाखा है पटाखा। बच्चू, तू भी याद करेगा कि किसी रईस से पाला पड़ा था। चल इस दिवाली पर ये पटाखा हम तुझे तोहफे में दे देते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि ये लौंडिया सिर्फ पटाखा ही नहीं बल्कि 400 करोड़ का बैरर चेक है, और ये चेक तुझे कैश कराना है हर हालत में उसे अपनी पत्नी बनाकर। समझ गया भैया, समझ गया। यानी एक तीर और कई निशाने। हाँ, लौंडियों के मामले में तो तेरा निशाना कभी खाली जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये गुर भी तो तूने अपने बड़े भैया से ही सीखा है। लगी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। यार मुनु, तू बड़ा लकी है यार। वो भाभी है ना, तुझसे बेहद मोहब्बत करता है। अरे छोड़ ना यार उसकी बात। और एक ये जनाब है, प्यार तो कर बैठे, न पीछा करने का हौसला है, न बात करने की हिम्मत है। अरे छोड़ छोड़, आज उसे आने तो दे, उसको भी मालूम पड़ जाएगा कि किस आशिक से पाला पड़ा है। हाँ, जब आएगी तो इसकी बोलती बंद हो जाएगी। क्या यार, तू भी कैसी बातें कर रहा है। आ गई, अब दिखा एकड़ी। वो देखो, वो टेबल खाली। हाँ ठीक है, लेकिन प्लीज मुन्नू के साथ फिर से शुरू मत हो जाना। अब कुछ नहीं बोलूंगी, चलो। सोनू, तू आजकल बहुत बेशरम हो गई है। हाँ बेशरम। मैडम क्या लाऊं? दो पेप्सी लेके आना जी। तू भी बेशरम हो जाएगी, एक बार प्यार करके तो देख। अरे छोड़ यार, बेकार में मुझे मोहब्बत के दलदल में फंसाना चाहती है। मोहब्बत कोई दलदल नहीं है प्रिया, मोहब्बत तो वो गुलशन है जिसमें सिर्फ बहार ही बहार है। प्रिया तू जरा एक मिनट रुक, मैं जाके आती हूँ। हाँ क्या हुआ तुझे? समझा करना यार, अभी गई अभी आई। हाँ गोल्डन चांस राहुल, गोल्डन चांस। करते जा रहे मोहब्बत, हिम्मत से काम ले, प्यार की बीन कुछ ऐसी बजा जो बड़े प्यार से तेरा नाम ले। अदावर वो दे दे तुझे अपना दिल। छोड़ यार, और बढ़कर तेरा दिल, दिल थाम ले। अब क्या सोच रहा है यार? अबे क्या ना यार, अभी तक तो बड़ी बड़ी हाँक रहा था, अब क्या हुआ? क्या ऐसा? क्या तो जाता हूँ। जा जा, एक मिनट ठहर। या भाई। हाय प्रिया। हाय। एक्सक्यूज मी प्रिया, एक्सक्यूज मी प्रिया। अब क्या है? ये आपके लिए। आप ही को मुबारक हो, सुनते रहिएगा। प्रिया, प्रिया,
क्या है? वो क्या है ना कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जल्दी कहो क्या कहना है। प्रिया मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ, मेरे मन मंदिर में सिर्फ तुम्हारी ही मूर्त है। प्रिया मैं दिन रात उठते बैठते सोते जागते सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता हूँ। प्रिया मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। प्रिया जिस तरह चकोर चांद को परवाना शमा को चाहता है उसी तरह मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ। प्रिया आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्रिया आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अच्छा सच? माय फुट। ओके यार चल भाई, मेरी क्लास का टाइम हो गया। गई भैंस पानी में। अबे तू ये रोमांटिक डायलॉग बोल के नहीं सकता है। ये क्या खाक बोलेगा बकरी के तरह? मैं भी आता है ये। नहीं सरी, आज मैं प्रिया से अपनी मोहब्बत का इजहार करा के ही छोड़ूंगा। ये हुई ना बहुत मर्दों वाली। और क्या, तो चल। जाना वो है शम्मा में परवाना, जाके उसको ये बतलाना। अंबर से पानी देखी तेरी जबानी, बरसा अंबर से पानी। बोले ये जिंदगानी, तू है सपनों की रानी। जिसकी चाल बड़ी मस्तानी, उसकी दुनिया है दीवानी। मैं हूँ उसका दिल भर जाने, तुमने मेरे मन के राने। प्यारे
जब वो करेगी दिल पे गोली चलेगी। हाँ प्यार जब वो करेगी दिल पे गोली चलेगी। आके जब वो मिलेगी सब पे बिजली गिरेगी। वो है ऐसी यार छबीली जाने का है वो अलबेले गुस्से से हो लाल बेले छेड़ कहके यही सहेली। क्यों बे? उस दिन कॉलेज में बहुत फुदक रहा था। क्या बोल रहा था? जा बे जा नहीं मारूंगा, मारना। अरे मारना, ए मारना, अरे मारना, मार, मार, मारेगा मेरे को, मारो सारे। विक्की का लफड़ा हो गया यार, चल चल। चल
हेलो 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 ज़्यादा हो रहे हैं क्या? हमारी फोन मिला था करने के लिए, इडियट। यू इडियट, रास्कल, बदतमीज, शर्म नहीं आती फोन करते हुए? हाय। राहुल? ओह राहुल, आई एम रियली वेरी सॉरी। काफी देर से परेशान हो रही हूँ। पता नहीं कौन बंदा प्रैंक कॉल किए जा रहा है। आई एम रियली वेरी सॉरी। और हाउ आर यू? जान जानू जाने मन जाने तमन्ना जानम जाने वफा जाने जिगर जाने अदा जाने वहा। हट बदमाश, अब क्या जान ही लोगे? नहीं नहीं, सिर्फ दिल से काम चल जाएगा। वो तो मैं पहले ही तुम्हें दे चुकी हूँ। अच्छा, क्या बात करती हो, कब हुआ ये सब कुछ? अच्छा अच्छा, तो जनाब को पता ही नहीं। दिल भी कहीं इस तरह दिया जाता है भला? तो फिर किस तरह दिया जाता है भला? हाय, कहीं तन्हाई में, कुछ होश में, कुछ मदहोशी में, आंखों में आंखें डालकर, कुछ बेकरारी से, बेताबी से, मेरे सीने से रख के। चुप, बेशरम। कत्ल करते हैं और इल्जाम भी नहीं लेते। मुझे बेशरम बनाया किसने? किसने? तुमने। अच्छा, तो ये इल्जाम भी हम ही पे? हाय, ये बेशरम तुम्हारा कल इंतजार करेगा। आओगी ना? आओगी ना? आऊंगी ना। पक्का? पक्का। मेरी जान, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ओबेरॉय स्पीकिंग। हाँ ओबेरॉय साहब, मैं एडवोकेट आहूजा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए आहूजा साहब, कैसे याद किया आपने? ओबेरॉय साहब, बात दरअसल यह है कि प्रिया की माँ की वसीयत के मुताबिक प्रिया के बालिग होते ही उसकी सारी प्रॉपर्टी प्रिया को मिल जानी चाहिए। आप तो जानते हैं कि प्रिया बालिग हो चुकी है, इसलिए प्रॉपर्टी के सारे कागजात मैं तैयार करवा रहा हूँ। और आपको उन कागजात पर प्रिया के सिग्नेचर चाहिए? जी हाँ। तो इसमें पूछने की क्या बात है, आप पेपर्स लेकर आइए और प्रिया से साइन करवा लीजिए। तो फिर ऐसा करते हैं, आज शाम कोर्ट से लौटते वक्त मैं आपके घर आ जाता हूँ। ओके, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, आइए। नमस्ते ओबेरॉय सेठ। अरे देख तो ऐसे रहे हो जैसे हमें पहचानते ही नहीं। इस नाचीज को के कहते हैं। बिन बुलाया सही, लेकिन मेहमान से बैठने के लिए नहीं कहोगे? आइए आइए। अजय, आपका नाम काफी सुना था, मुलाकात पहली बार हुई, बैठिए। मुझे यहां देखकर तुम्हें बहुत ताज्जुब हो रहा होगा ओबेरॉय, कि एक अंडरवर्ल्ड का भाई तुम्हारे घर में क्या कर रहा है। क्यों? नहीं नहीं, ताज्जुब इसलिए हुआ कि आपको मुझसे क्या काम आ पड़ा। ओबेरॉय, मैं तुमसे एक सौदा करने आया हूँ। कैसा सौदा? करोड़ों का सौदा। करोड़ों का? मैं कुछ समझा नहीं। समझने में तो आप शैतान के बाप हैं ओबेरॉय साहब, फिर भी समझा देता हूँ। ये मेरा छोटा भाई है रॉनी, जवान है, खूबसूरत है और शादी करना चाहता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? करना तो आप ही को है ओबेरॉय साहब, क्योंकि मेरा छोटा भाई और आपकी बेटी एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। और मेरा भाई आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है, तो मैं चाहता हूं कि दोनों की शादी करवा दी जाए। तो आप चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके भाई के साथ कर दूं? बिल्कुल सही सोचा आपने। आपको यकीन कैसे हो गया कि आपकी बात मैं मान लूंगा? आज तक तो इस शहर में कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमने कुछ कहा हो और किसी ने हमारी बात ना मानी। और वैसे भी आप ना करने की पोजीशन में नहीं है, और अगर आपने ना कही तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि प्रिया इस जायदाद की इकलौती वारिस है, और वो आपकी अपनी सगी बेटी नहीं बल्कि सौतेली है। सौतेली बेटी? सौतेली हुई तो क्या हुआ, मैंने उसे अपनी बेटी जैसा प्यार दिया है। और तुमने ये कैसे सोच लिया?
कि तुम जैसे डॉन के भाई के पल्ले उसे बांध दूंगा। ओबेरॉय, मैं तुम्हारी शराफत के नकाब में छुपे लालची इंसान को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं। इस रिश्ते को मान लेने में ही तुम्हारी भलाई है। इसमें मेरा क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। जायदाद के हिस्से में 50-50 बोलो मंजूर है? मंजूर है। तो मिलाओ हाथ। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। कम कम। तब इसे गाड़ी में रख दो, ठीक है? जी मैम साहब। आओ आओ बेटिया आओ। आज हमारी बिटिया रानी इतना सज धज के कहाँ जा रही है? आप फिर भूल गए पापा, मैंने बताया था ना मेरी सहेली की एंगेजमेंट पार्टी है, वही जाना है। ओह आई एम सॉरी बेटा, मैं बिल्कुल भूल गया था। अच्छा बेटा इनसे मिलो। अरे के अंकल। हेलो अंकल। और ये है इनके भाई रॉनी। अच्छा पापा तो मैं चलती हूँ, मेरे दोस्त में इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा बेटा जाओ जाओ। ओके बाय पापा। बाय बाय अंकल, टेक केयर। अरे प्रिया बेटी सुनो। यस पापा। देखो शाम को आहूजा अंकल आ रहे हैं, कुछ पेपर्स पर तुम्हारा साइन चाहिए। आप कर दीजिए ना। अरे नहीं तुम्हारी साइन चाहिए, जल्दी आ जाना। ठीक है पापा मैं आ जाऊंगी। बाय पापा। बाय बाय बेटे। अच्छा तो हम चलते हैं। ठीक है, मैं पंडित जी से कहकर एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर आपको खबर कर दूंगा। चट मंगनी पड़ गया। चल बेटा। ओके बेटा। हाय ओ रब्बा तूने ये कैसी चीज बनाई, नाम दिया घूटा जिसको निकला वो हर जाई। हाय रब्बा तूने ये कैसी चीज बनाई, हाय रब्बा तूने ये कैसी चीज बनाई, नाम दिया घूटा जिसको निकला वो हर जाई। जब भी आए दिल पर ये दीदार न करने दे, जब भी आए दिल पर ये दीदार न करने दे, हर पल आए बीच में हमको प्यार न करने दे। हाय रब्बा तूने ये कैसी चीज बनाई, नाम दिया खुमका जिसको निकला वो हर जाए। झील सी आंखें चेहरा है नूरानी, चेहरा है नूरानी, दिल को पागल कर देती है उसकी मस्त जवानी, उसकी मस्त जवानी आरा, उसकी मस्त जवानी, उसकी मस्त जवानी आरा, उसकी मस्त जवानी। सुना है उसकी झील सी आंखें चेहरा है नूरानी, दिल को पागल कर देती है उसकी मस्त जवानी। बादल से चमड़ा ढकले इजहार न करने दे, बादल से चमड़ा ढकले इजहार न करने दे, हर पल आए बीच में हमको प्यार न करने दे। खोल तेरा घूंघटा, खोल तेरा घूंघटा, हाय तेरा घूंघटा, खोल खोल खोल। हाय रब्बा तूने ये कैसी चीज बनाई, नाम दिया घूंघटा जिसको निकला वो हर जाई। Thank you.
दिल वालों से कैसे बच के जाएगी, कैसे बच के जाएगी। मैं तेरा घूंघट खोलूंगा तो मेरी बन जाएगी, सुनिश्चित बन जाएगी, सुनिश्चित बन जाएगी, सुनिश्चित बन जाएगी, सुनिश्चित बन जाएगी। हम जैसे दिल वालों से कैसे बच के जाएगी, मैं तेरा घूंघट खोलूंगा तो मेरी बन जाएगी। गुलाबी मुखड़े का दीदार तो करने दे यार, गुलाबी मुखड़े का दीदार तो करने दे, हर पल आए बीच में हमको प्यार न करने दे। खोल तेरा खुमका, खोल तेरा खुमका, हाय तेरा खुमका, खोल खोल खोल। आयो रब्बा तूने कैसी चीज बनाई, आयो रब्बा तूने कैसी चीज बनाई। नाम दिया खुमका जिसको निकला वो हर जाए, जब भी आए दिल पर ये दीदार न करने दे, जब भी आए दिल पर ये दीदार न करने दे, हर पल आए बीच में हमको प्यार न करने दे। लीजिए ओबराय साहब, ये आखिरी पेपर भी साइन कर दीजिए। मैं भी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूं। ये लीजिए। मुबारक हो ओबराय साहब, प्रिया की मां की वो तमाम प्रॉपर्टी आज से प्रिया के नाम की हो गई। शादी के बाद प्रिया का पति इस प्रॉपर्टी का बराबर का हिस्सेदार होगा। शादी के पहले अगर प्रिया को कुछ हो जाता है, यानी कि इसका स्वर्गवास हो जाता है, तो खुद ब खुद ये तमाम प्रॉपर्टी आपके नाम की हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। ओबेराय साहब, इसमें काफी जोर देकर लिखा गया है कि प्रिया को कुछ हो जाने की स्थिति में, यानी मेरा मतलब उसके न रहने की सूरत में सारी की सारी दौलत आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में मेरा मतलब है कि आप किस तरह की बातें करना चाह रहे साहब? उसे तो मैंने अपनी बेटी की तरह पाला है, उस पर तो मैं ऐसी कई जायदादें कुर्बान कर सकता हूँ। माना कि मैं उसका, खैर चावला साहब, समय एक ऐसा ऊंट है जो कब और किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता, इस पर किसी का जोर नहीं है। इसीलिए मैंने ऐसा किया, औजा साहब की दौलत कहीं गलत हाथों में ना पड़ जाए, शादी के बाद उसके पति के नाम पर अपने आप हो जाए। ये आपने बहुत अच्छा किया ओबराय साहब, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है, करोड़ों की संपत्ति का मामला है। हाँ, करोड़ों की संपत्ति का मामला है, इसीलिए तो सावधानी से काम करना पड़ेगा। हाय एवरीबॉडी। हाय 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 एक्सक्यूज मी। हाय प्रिया। पिंकी, अबे सैंडविच नहीं मंगाया, मैं खाऊंगा क्या? ले ये खा, ये खा। हाँ लो, ये फिर घुस गया पेपर में। एक मिनट यार, एक न्यूज़ तो पूरी कर लेने दे। अरे ऐसी क्या खास न्यूज़ है उसमें? अरे छोड़ो न्यूज व्यूज, मैं तुम लोगों को एक सरप्राइजिंग न्यूज सुना रहा हूँ। सरप्राइजिंग न्यूज? वो क्या? हम लोग खंडाला जा रहे हैं पिकनिक मनाने। हमें छोड़कर जाएगा? अकेले जाएगा तू? अरे हम कोई पागल है क्या? हम भी चलेंगे तेरे साथ। तुम लोग क्या करोगे साथ आके? जबरदस्ती कबाब में हड्डी बनोगे, अच्छे खासे मूड का सत्यानाश हो जाएगा। क्यों बे गधे, हम लोग सब कबाब में हड्डी है क्या? सनी, दिस इज नॉट फेयर, तुम अकेले खंडाला नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं जा सकता यार तू। देख सनी, अगर पिकनिक जाएंगे तो हम सभी जाएंगे, वरना तू भी नहीं जाएगा यार। हाँ, हम भी जाएंगे। आती है खंडाला? डैडी से पूछना पड़ेगा ना, बेचारी बच्ची है ना, डैडी से पूछे बगैर कैसे जा सकती है? अबे चल, जाएगी वो खंडाला। नहीं यार, मुझे तो खंडाला वंडाला कहीं दूर जाने से ही डर लगता है। माथेरान या लोनावला चलते ना यार। अरे नहीं यार, माथेराम, लोनावला और खंडाला हर जगह तो घुमा है, किसी ऐसी जगह चलते हैं जो हटके हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो यार। मैं बताऊँ एक ऐसी जगह? हाँ हाँ बता। गेटवे ऑफ इंडिया चलते हैं ना यार। गेटवे ऑफ इंडिया? अबे गधे, बेडरूम से निकलकर बाथरूम में पिकनिक मना। अरे नहीं यार, कोई ऐसी जगह सोचो जो रोमांटिक होने के साथ साथ एडवेंचरस हो, एकदम टेरिफिक हो, याद रखने लायक जगह हो यार। अबे सोचो यार, कुछ तो सोचो। छोड़ो ना यार, मेरा तो दिमाग ही नहीं। अरे यार, तेरा तो हमेशा यही रोना है यार। राहुल ठीक कहता है, हमें कोई ऐसी जगह चलना चाहिए जो वाकई में यादगार बन जाए। ऐसा क्या? तो तू ही बता दे कोई ऐसी जगह।
सुभानगढ़ चलते हैं। सुभानगढ़? ये जगह तो पहली बार सुन रहे हैं। कहाँ है ये सुभानगढ़? बॉम्बे से ठीक 18 घंटे का रन है। तुम लोगों ने ना ऐसी जगह जिंदगी में कभी देखी होगी और ना कभी सुनी होगी, और ना ही कभी देखोगे और ना ही कभी सुनोगे। माइकल, ओबेरॉय बोल रहा हूं। जिस दिन का हम मुद्दत से इंतजार कर रहे थे वो दिन आ चुका है। सुभानगढ़ जाने की तैयारी करो। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अंधेरा हो गया है और आगे घाट और घना जंगल है। अब इस वक्त आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। हाँ यार, तू ठीक कह रहा है। और फिर हमारे साथ लड़कियां भी हैं और आसपास कोई बस्ती भी नजर नहीं आ रही। राहुल, राहुल, हाँ? वो देखो रोशनी नजर आ रही है। चलो चलकर देखते हैं यार। हाँ यार राहुल, वहाँ कुछ तो नजर आ रहा है। लगता है वहाँ कोई बस्ती है। हाँ यार, बस्ती लग रही है। हमें वहीं जाना पड़ेगा। वहां जाकर कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। चलो चलकर देखते हैं यार। आओ। राहुल, वहां भी कुछ इंतजाम नहीं हुआ तो? डोंट वरी यार, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। चल विकी।
लगन लगे बस मिलने की एक लगन जगी। नीचे उसको बुला लो, मुझको उससे मिला लो, वो है मेरी गुलाबो 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 गुलाबो, वो है मेरी गुलाबो 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 गुलाबो। भाई तुम्हारा पत्ता तो कट, प्रिया तो गई अपने आशिक के साथ मौज मस्ती करने। ज्यादा आसान ना ठोक दूंगा। और एक बात सुन, प्रिया मेरी है मेरी, मेरे उसके बीच में कोई आया ना उसे भी ठोक दूंगा, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सुन, मैं उन लोगों का वो हश्र करूंगा कि सुभानगढ़ की हवेली उनके लिए पुलिस का लॉकअप ना बन गई तो मेरा नाम रानी नहीं। विकी, तो यही वो जगह है जिसकी तू इतनी तारीफ कर रहा था। अबे यहाँ ना आदम है ना आदम की जात, चारों तरफ भयानक जंगल और उस पर ये खौफनाक हवेली। अबे यहाँ पिकनिक क्या खाक बनाएंगे? अरे यार तुम लोग खामखा डर रहे हो, ये हवेली बाहर से जितनी डरावनी नजर आती है सुबह दिन के उजाले में देखना, यही जगह कितनी खूबसूरत और दिलकश नजर आएगी। वो तो ठीक है विकी, लेकिन यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। तुमने हमारे आने की खबर की थी कि नहीं?
वॉचमैन को फोन तो किया था मैंने, लेकिन वॉचमैन कहीं नजर तो आ नहीं रहा है। राहुल जरा जाके तो देख, कहीं खा पी के कोने में पड़ा तो नहीं है साला। ठीक है यार, देखता हूँ। वॉचमैन, 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 वॉचमैन। अरे विकी यार, यहाँ तो कोई भी नहीं है यार। यहाँ पर अच्छा मैं देखता हूँ। वॉचमैन, 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 वॉचमैन। अरे जब कोई होगा तब आएगा ना यार। यार पेट में चूहे दौड़ रहे हैं यार। पेपर खाओगे राहुल? वहाँ कोई है। कहाँ? वॉचमैन, 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 दरवाजा खोलो। देख क्या रहे हो, दरवाजा खोलो। मुझे तो वॉचमैन कम भूत ज्यादा नजर आ रहा है। अब अंदर भी चले? यार तुम लोग अंदर चलो, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। ठीक है। ये हवेली तो मुझे भूत बंगले जैसी नजर आती है यार। हाँ यार, और वो वॉचमैन हमें ऐसे दिख रहा था जैसे खा जाएगा। सच, कितना अजीब सा है। ये विक्की भी अजीब जगह लेकर आ गया है। राहुल हाँ? मुझे यहाँ के माहौल से अजीब सी मनुष्यत हो रही है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम ठीक कहती हो प्रिया। ओ कम ऑन यार। अबे ओ रामू, रामू, लगता है ये बहरा कहीं सो गया है। यार तुम लोग बैठो, मैं देखता हूँ ये रामू है किधर। हाँ ठीक है, जल्दी आना। पिंकी, यहाँ तो कुछ अजीब सा ही लग रहा है ना। हाँ, वो जंगल, ये हवेली, कमाल है यार। पता नहीं विक्की भी कहाँ चला गया। मैं इस हवेली का नौकर रामू। अबे तो वहां था, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ। हिला रहा हूँ? क्या हिला रहा था साहब? मैं तो कुछ भी नहीं हिला रहा था, मैं तो बस चूहे पकड़ रहा था। इसे तो भगवान बचाए। अबे इसे लगा तो सही। कवे बहरे, रहने का सारा इंतजाम हो गया? हो गया साहब, कमरे की सफाई, बिस्तर विस्तर, खाना, गाना। गाना भी? अरे यार वो सब बाद में, बहुत जोरों से भूख लगी है, पहले खाना वाना तो खिला। ऐसा ठीक है साहब, जब तक मैं खाना लगाता हूँ आप लोग तब तक फ्रेश होके आ जाइए। अब मैं पहले सबको उनके कमरे तो दिखा। ऐसा ठीक है साहब, चलो यार चलिए। ये लो साहब, गर्मा गर्म रोटियाँ। अच्छा रामू, ये तो बताओ यहाँ कब से काम कर रहे हो? काम का क्या है मेन साहब, समझ लीजिए जब से पैदा हुए हैं यहीं पे हैं। तुम्हें इस भयानक सुनसान हवेली में अकेले रहते हुए डर नहीं लगता? लगता तो है मेन साहब, पर क्या करें, रोजी रोटी का सवाल है। ऊपर से जन्म जन्म का नाता है इस हवेली से, सो पड़े रहते हैं। एक राज की बात बताएं मेन साहब। राज की बात? वो क्या रामू? यहाँ जो पास में कब्रिस्तान है ना मेन साहब,
वहां पे एक लंगड़ा भूत रहता है। भूत? वो भी लंगड़ा? क्या बकवास है यार। बकवास नहीं साहब जी, हम सच कहते हैं, क्योंकि सब तो जानते हैं, बस आप लोग जरा सावधान रहिएगा। रामू, ये तूने क्या बकवास लगा रखी है, तू जा और जाके रोटियां ले आ। जी साहब जी। अरे साहब, ये तो छबीली है, यहाँ की नौकरानी। नमस्ते साहब जी। यह छबीली अब वही खड़ी होकर मटकती रहेगी या साहब लोग को खाना भी खिलाएगी? खिलाने तो आई हो। खिलाने तो आई हूँ, कैसी बेशरम है ये। खिलाने नहीं, खिलाने आई हूँ। विक्की जरा डाल देना यार। मैं देती हूँ ना साहब जी। बस हो गया साहब जी, और कुछ नहीं लेंगे? हाँ बस हो गया। और कुछ लाऊं साहब जी? बस रामू, पेट भर गया, अब चैन की नींद सोएंगे। हाँ रामू, अब तो चैन की नींद ही सोएंगे। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। देख सनी, इस बार शेडिंग मत करना। हाँ यार, नजर चूकी नहीं कि हाथ की सफाई दिखा देता है। चल चल, जब भी आने लगते हो तो तुम्हें हाथ की सफाई दिखा देती है। हाँ यार, तू साफ चीटिंग करता है। ओफो, पहले अपने अपने पत्ते तो देख लो, फिर देखते हैं कैसे चीटिंग करता है। हाँ हाँ, देख लेना। हाँ? ए, चीटिंग, चीटिंग, चीटिंग। क्या यार सनी? देखो चीटिंग करता है, मुझे नहीं खेलना है। ये क्या कर रही हो यार? यार तू भी तो आदत से मजबूर है, क्या जरूरत है चीटिंग करने की? देखा देखा, मैंने कहा था ना ये चीटिंग से कभी बाज नहीं आएगा। चलता है यार, प्यार और खेल में सब चलता है। प्रिया, प्रिया देखो, प्रिया प्लीज, प्रिया इससे मजाक नहीं, प्रिया प्लीज। मैं नहीं दूंगी। देखो प्रिया, नो, लगता है लव लेटर है प्रिया। हाँ यार प्रिया, ये लेटर जरा पिंकी को तो बताना। यार ऐसा कुछ नहीं है यार, प्रिया प्लीज, प्लीज लव प्रिया, प्लीज देती हो यार, प्लीज प्रिया, प्रिया। आ मेरी जान, ओ आ मेरी।
जाओ ना, ख्वाब जो देखा था वो मैंने, टूट ना जाए आ जाओ ना, करना जगह मुझे ओ बेवफा ना, किसी और का घर बसा तू, यूं छोड़ के दिल मेरा दौड़ के संग किसी और के यूं ना जा तू, तुझ बिन जी ना सकूं हो रहा है। मैं सब समझता हूँ। क्या समझता है बे? कुछ नहीं यार, लग रहा है बेस्ट ऑफ लक। अबे तेरी ये हिम्मत, हाँ ये हिम्मत, हाँ दिलावर ज्यादा पी गया है, जा उसे समझा, वैसे भी उल्टी खोपड़ी का है, कहीं मार ना दे उसे, जा लिया उसे जा। ठीक है भाई, अभी रोकता हूँ उसे। मैं प्रिया से कितना प्यार करता हूँ पता है कि नहीं तेरे को? अरे क्या कर रहा रौनी, छोड़ उसे यार। कैसे छोड़, नहीं तो मर जाएगा वो। करेगा, अरे बोलेगा भी इसको। चल भाई के पास चल, चल 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 भाई चल, छोड़ इसको, मैं छोड़ चल वाले को। खामोश खामोश, छोड़ दिलो भाई, दिलो भाई ये कॉल है तुम्हारे बड़े भाई के। मेरा भाई, मेरा भाई के इस शहर का सबसे बड़ा डॉन है, दिलो भाई जिससे मैं प्यार करता हूँ ना, जिससे मैं शादी करने वाला था, वो किसी और के साथ कुछ छर्रे उड़ा रही है दिलो भाई, और ये कहता है कि तेरी शादी मैं प्रिया से करवाऊंगा, झूठ बोलता है ये। चल रौनी, इस वक्त तू होश में नहीं है। दिलो भाई रुको, होश तो अब भी आया है मुझे, अभी। ये मेरा भाई नहीं है दिलो भाई, कसाई है कसाई। अरे तो चाहता है कि मैं घुट घुट के मरो, तू जानता है तेरा भाई तेरे लिए क्या सोचता है? क्या सोचता है? अरे कुछ नहीं सोचता है, और कुछ सोच भी नहीं सकता है दिलो भाई। दिलो भाई ये जो मेरा भाई है ना, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता है दिलो भाई, कुछ नहीं कर सकता है। भाई इसकी बातों का बुरा मत मानना, बच्चा है, आज इसने कुछ ज्यादा ही पी रखी है इसलिए इसको किक लग गई है। बुरा क्या मानना, छोटा है, नादान है, ना समझ है, नशे में बड़बड़ा रहा है, मगर कुछ इसकी बातें भी सच्ची हैं। अरे यार होना क्या था, एक तो सोनू की बर्थडे पार्टी, ऊपर से वो बड़ा केक, केक तो खाया ही खाया, खाना भी खा लिया। अबे फिर क्या हुआ? फिर होने लगी बेचैनी, फिर हमने सोचा अब करे तो क्या करे, फिर हमने सोनू को बुलाया और सोनू से पूछा, सोनू तुम्हारी बालकोनी किधर है? फिर सोनू ने मुझसे पूछा बालकोनी में क्या करोगे? अरे हमने कहा पहले चलो तो सही, वहीं बताएंगे कि हम वहाँ क्या करेंगे। फिर हम वहाँ गए, वहाँ जाके देखा, इधर देखा कोई नहीं, उधर देखा कोई नहीं, पीछे देखा कोई नहीं। अबे हुआ क्या? बस पार दिया। हम हो रहा ही प्यार का, हम से कुछ ना बोलिए, हम हो ये लिए साहब चाय, जिसको पीना है पीजिए, जिसको नहीं पीना मत पीजिए। रामू तुम तो बड़ा अच्छा गा लेते हो। हाँ हाँ मेम साहब, काहे नहीं, हमको मौका ही नहीं मिलता, वरना हम अच्छा अच्छों की छुट्टी कर देते हैं। हाँ भाई पैदाइशी गवैये हैं। हाँ तानसेन की छठी औलाद है ना, मौका मिलता तो ये लता मंगेशकर की भी छुट्टी कर देते। क्यों रामू? हाँ हाँ काहे नहीं साहब। यार प्रिया आज रामू को मौका दे ही देते हैं, क्यों तो रामू हो जाए। हाँ हाँ क्यों ना मेम साहब, नीचे सुनिए। अरे रामू तेरी आवाज को क्या हुआ? ये अमरी आवाज नहीं है साहब, तो ये तो बाहर से बाहर से कहीं ये
तो नहीं जो हमें रास्ते में मिली थी? हाँ रामू, ये लड़की है कौन जो रात को जंगल में भटकती रहती है? वो कौन है साहब? हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते साहब। कमाल है, चलो चलकर देखते आखिर ये माजरा क्या है। अबे छोड़ना यार। नहीं यार, हमें चलना चाहिए। आखिर बात क्या है, वो लड़की है कौन? मैं तो नहीं जाऊंगी पापा, मुझे तो नींद आ रही है। मैं भी नहीं जाऊंगी। ठीक है मुन्नु, तू चलेगा? ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है कहीं उस चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया तो। ना बाबा ना। ठीक है, तुम्हें रुकना हो तो रुको, हम चलकर दिखाते हैं। चलो चलो प्रिया, चले। राहुल एक मिनट, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। चेंज कर कर अभी। प्लीज राहुल। ओके कम फास्ट, कम फास्ट। ये लड़की कहाँ गायब हो गई? कमाल है यार। और ये विकी कहाँ रह गया? विके, विके। अजीब बात है यार, इधर लड़की गायब उधर विकी गायब। चलो चलकर देखते हैं। विके, 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 विके। तू यहाँ, वहां से कहाँ गायब हो गया था तू? मैं गायब हो गया था या तुम लोग? मैं तो उल्टा तुम लोगों को ढूंढता हुआ यहाँ आ गया था। लड़की तो गायब हो ही गई और तू भी गायब हो गया, कमाल है यार। दरवाजा क्यों खुला भाई? मार्शाला लंगड़ा भूत मिल गया और यह दरवाजा खुला है, क्या बात है भाई? मैडम को कहाँ हुआ? अरे बाप रे, खून!
आप उस वक्त कहाँ थे मिस्टर मुन्नू? जी मैं अपने कमरे में था। हाँ, तो पिंकी का कमरा तो आपके कमरे के बगल में ही है ना? जी हाँ। तो वहां पर आने जाने वालों की आहट या किसी के चीखने की आवाज तो जरूर सुनी होगी? जी नहीं। अच्छा, पूछ सकता हूँ वो क्यों? क्योंकि दरवाजा बंद होने के बाद बाहर की आवाज अंदर नहीं आती। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब ये कि कोई कमरे में घुसकर अंदर का दरवाजा बंद करके अगर कोई किसी का कत्ल कर दे तो बगल वाले कमरे में घुसना ही नहीं देगा। क्यों, आप यही कहना चाहते थे ना? जी जी हाँ। जी नहीं, आपने आवाज नहीं सुनी वो इसलिए नहीं कि आप अपने कमरे में थे और आवाज आप तक पहुंच नहीं पाई, बल्कि इसलिए कि आप अपने कमरे में नहीं, कहीं और थे। क्या मतलब? मतलब आईने की तरह साफ है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। ये क्या बकवास है इंस्पेक्टर? Find your tongue, मिस्टर राहुल। बहुत अच्छा फर्ज निभा रहे हो आप। ये बकवास नहीं है, तहकीकात है, तहकीकात। और मुझे फर्ज का पाठ पढ़ाकर कानून का पंडित बनने पर मजबूर मत कीजिए। मैं अपने फर्ज को अच्छी तरह समझता हूँ। और हाँ, जब तक आपसे कुछ पूछा ना जाए तब तक आप कुछ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं। अंडरस्टैंड? हाँ तो मिस्टर विक्की, आप तो लड़की का पीछा करते राहुल और सनी के साथ जंगल में गए थे ना? जी हाँ। तो जाहिर है कि आप वापस भी साथ में आए होंगे। जी नहीं, मैं पहले आ गया था। ओह, आप पहले आ गए थे, पूछ सकता हूँ क्यों? दरअसल रास्ते में मेरा लाइटर गिर गया था और मैं उसे ढूंढने लग गया। तब तक ये लोग काफी आगे निकल चुके थे। बाद में मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की और जब नहीं मिले तो मैं वापस हवेली आ गया। हाँ, लगता है डर के मारे आप सिगरेट उल्टी पी रहे हैं। जी, एनीवे, आपके आने के कितनी देर बाद वो लोग आए? यही करीब 10-15 मिनट के बाद। करीब 10-15 मिनट, इसका मतलब है आपके पास काफी वक्त था, है ना? क्या मतलब? मतलब ये है विक्की साहब, क्या आप अपने साथियों से अलग होकर हवेली आ गए हो, पिंकी को अकेला पाकर उसी कमरे में घुस गए हो और फिर उसे जबरदस्ती करने की कोशिश की हो और उसका खून करके बाहर हवेली के कंपाउंड में वापस आ गए हो? इट्स सो सिंपल। क्या बक रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आप मुझ पे बेवजह शक कर रहे हैं। वजह तो होगी विक्की साहब, बेवजह कोई कत्ल नहीं होता। और रहा सवाल शक का, तो शक करना हमारा पेशा है। लीजिए, लीजिए ना, ये आपका ही है टिकट। गुड। ये क्या तरीका इंस्पेक्टर साहब? एक तो हमारे दोस्त का खून हो गया और उस पर अब कातिल का पता लगाने के बजाय हम पर ही शक कर रहे हैं। चिल्लाइए मत मिस्टर राहुल, चिल्लाने से शक का दायरा कम नहीं हो जाएगा। और हाँ, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि कातिल कौन है और कत्ल के पीछे उसका मकसद क्या है। यस सर, पिंकी का कमरा सील कर दिया है। गुड, इस लाश को ले जाओ और पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, इमीडिएटली। उठाओ, चलो। कहाँ ले जा रहे हो मेरी पिंकी को? कुछ नहीं हुआ सनी, सनी प्लीज, सनी इन्हें ले जाने दे, रोको मेरी पिंकी को। कंट्रोल योरसेल्फ सनी, प्लीज सनी। हर कातिल अपने आप को बहुत शातिर समझता है, लेकिन जाने अनजाने वो अपने जुर्म का निशान अपने ही हाथों से बना जाता है। डोंट वरी, टेक केयर। और हाँ, एक खास बात, जब तक इस केस की तहकीकात पूरी नहीं हो जाती, आप लोगों में से कोई भी, नॉट अ सिंगल पर्सन विल लीव दिस प्लेस। इज दैट क्लियर? गुड। हेलो, ओवर हियर। हेलो पापा। अरे बेटी कैसी हो तुम? कुछ ठीक नहीं है पापा, यहाँ मेरी सहेली पिंकी का खून हो चुका है, किसी ने उसे बड़ी बेरहमी से मार डाला है पापा। खून हो गया? तुम्हें
एक काम करो, जल्दी वापस घर आ जाओ। नहीं पापा, इंस्पेक्टर ने कहा है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता है। देखो बेटे, डरने की कोई बात नहीं, मैं वहाँ चला आता हूँ। हाँ पापा, आप प्लीज यहाँ जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। बस मैं निकल रहा हूँ यहाँ से बेटी, तो फिक्र मत करना, मैं आ रहा हूँ। कैसे याद किया ओबेरॉय सेठ? ये तुमने क्या किया? किसी और लड़की का खून कर दिया तुमने? किसी और लड़की का खून कर दिया? ये क्या बकवास कर रहे हो सेठ? मैंने उसे नहीं मारा। तो फिर किसने मारा उसे? अब मुझे क्या पता, वैसे जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। क्योंकि अब जब मैं आपकी बेटी का मर्डर करूंगा तो किसी को भी यह शक नहीं होगा ये मर्डर आपने करवाया है। लेकिन माइकल मेरी बात, लेकिन छोड़ो ओबेरॉय सेठ, माइकल ने जिस किसी की भी एक बार सुपारी ले ली उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती, खुद माइकल भी नहीं। राहुल, सनी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। लेकिन हम तसल्ली देने के सिवाय और कर भी क्या सकते हैं? ये सब विक्की की वजह से हो रहा है, ना वो हमें यहाँ लाया होता ना ये सब होता। हमारे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और ये ऐसे भेद कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। होना क्या है, मरने वाले के साथ कोई मर नहीं जाता है, और फिर मौत पे किसका वश चलता है? आज पिंकी हमारे बीच में नहीं है, हो सकता है कि कल कोई और ना हो। देखा राहुल, देखा तूने, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पिंकी इसके कुछ नहीं लगती थी, इसने पिंकी को मारा है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सनी बैठ, सनी, सनी मेरी बात तो सुन। सनी बिना किसी सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना सही बात नहीं है। प्लीज सनी, अपना को संभालो, सनी अपना को संभालो। मैं कैसे संभालूं राहुल, मैं कैसे संभालूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? रो मत सनी, मैं क्या करूं? रो मत सनी, मैं क्या करूं? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा सनी। मुन्नू, हाँ सोनू, सनी को ऊपर ले जाओ। चलो सनी, चल सनी, मत रो सनी, प्लीज चुप हो जाओ। ये सब क्या हो गया राहुल? सब ठीक हो जाएगा। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बात हमारे और तुम्हारे बीच में ही रहनी चाहिए, समझे कि नहीं? ठीक है विक्की साहब, आपने जो कहा है वो किसी को पता नहीं चलेगा। रामू, तुम तो इस हवेली में कितने सालों से रह रहे हो ना, और तुम ये कहते हो कि तुम उस गाने वाले के बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे ये लगता है रामू,
कि तुम हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। राहुल बाबू वो नहीं साहब, हम कुछ नहीं छुपा रहे, इस बारे में तो आप लोग जितना जानते हैं हम भी सिर्फ उतना ही जानते हैं। इसका मतलब है कि इस गुत्थी को हमें ही सुलझाना पड़ेगा। का मतलब? मतलब ये कि हमें खुद जाकर देखना पड़ेगा कि वो गाने वाली लड़की कौन है और उसके यूं आधी रात को भटकने के पीछे आखिर क्या राज है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस लड़की का पिंकी के कत्ल के साथ कुछ ना कुछ संबंध है। क्यों विकी, तू क्या कहता है? नहीं नहीं, कई बार लड़की सचमुच की चुड़ैल निकली तो? अबे चुप कर मुन्नू, तुझे नहीं जाना तू मत जा, लेकिन हम जरूर जाएंगे। क्या मैं यहाँ इस मनु हवेली में, वो भी अकेले? ना बाबा ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो चलो विकी साहब। मुन्नू साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए साहब। अब तो हमें पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन बेकिन छोड़ो, चलो यार लेट्स मूव। विकी, विकी भी गायब हो गया। और हाँ राहुल, मुन्नू भी नजर नहीं आ रहा है। अब ये कहाँ गायब हो गया? चलो चलकर पहले मुन्नू को ढूंढते हैं। चलो हाँ। मुन्नू, 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 मुन्नू। Ah!
गाना गाने वाली लड़की तुम्हारी बेटी थी, ये बात तुमने सबसे छुपाई क्यों? ओफो, यूं इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा चौकीदार। अगर तुम्हें अपनी बेटी के कातिल तक पहुंचना है तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। आखिर वो कौन सी बात है कि तुमने अपनी बेटी को दुनिया वालों की नजरों से बचा के रखा, बताओ? कुछ समय पहले ऐसे ही शहरी बाबू यहाँ पर आए थे और उनमें से एक बदमाश ने मेरी बेटी को झूठे वादों में फंसाकर उस मासूम का सब कुछ लूट लिया साहब। और उनके जाने के बाद मुझे पता लगा कि वो माँ बनने वाली है, तो मैंने साहब जी उसको गांव भेज दिया। लेकिन गांव वालों ने उसे बदचलन और उल्टा कहकर गांव से निकाल दिया। और इन सब बातों का उसके दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ कि वो पगला सी गई और मैं किसी को भी बताए बिना उसको घर पर ले आया। और उस बदनसीब को देखिए, वो अब तक ये सोचती रही कि उसका शहरी बाबू आएगा और उसे ब्याह कर अपने साथ में ले जाएगा, और उसके इंतजार में वो बावली जंगल जंगल घूमती रहती थी साहब। और आज शांत हो जाओ चौकीदार, इसे संभालो। हाँ तो मिस्टर राहुल, आप लड़की का पीछा करके जंगल में गए थे ना? अब ये बताओ मिस्टर राहुल, आपका दोस्त आपको कहाँ मिला? जी वो भी लाश के पास जख्मी हालत में पड़ा था। क्या जख्मी हालत में? मिस्टर मुन्नू जी, क्या आप बता सकते हैं कि आप जख्मी कैसे हुए? लड़की का पीछा करते हुए अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं गिर गया, और जब मैं उठा तो राहुल वगैरह आगे जा चुके थे। मैं डरकर भागा और पत्थर से टकरा कर गिर गया और मैं बेहोश हो गया, और जब मुझे होश आया तो ये लोग मेरे सामने खड़े थे। और विक्की साहब, इस बार तो आपका लाइटर नहीं गिर गया था ना? जी मेरा मतलब है, आप उस वक्त कहाँ थे? मैं इन्हीं के साथ था। ये झूठ बोलता है इंस्पेक्टर साहब, हम लाश के पास पहुंच चुके थे तभी ये भागता हुआ हमारे पास आया था। फिलहाल तो आप लोग यहाँ से जाइए, जरूरत पड़ने पर मैं आप लोगों को बुलवा लूंगा, मगर याद रखिए यहाँ से जाने की कोशिश हरगिज मत कीजिएगा। Is it clear? ये तो सरासर जाती है इंस्पेक्टर साहब, एक तो यहाँ एक के बाद एक कत्ल हो रहे हैं और आप हमें यहाँ जबरदस्ती रोक कर हमारी भी जान खतरे में डाल रहे हैं। आपका कहना ठीक है मिस प्रिया, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि कत्लों का सिलसिला आप लोगों के आने के बाद ही शुरू हुआ है, इससे पहले यहाँ कभी नहीं हुआ। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता,
अब आप जाइए और मुझे तहकीकात करने दीजिए, मगर हाँ आप लोगों की हिफाजत के लिए मैं 2 कॉन्स्टेबल रख सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। नो थैंक यू। शिट। अरे भाई उर्मिला जल्दी करो ना, देर हो रही है मुझे। आती हूँ अभी। वो फाइलें ब्रीफकेस में रख दी थी ना? जी हाँ, ब्रीफकेस में फाइलें भी रख दी हैं और ब्रीफकेस गाड़ी में रख दिया है। कहते हैं ना कि मूछे हो तो नथु लाल जैसी हो वरना ना हो, अरे मैं तो कहता हूँ कि बीवी हो तो तुम जैसी वरना ना हो। शाबाश। हेलो आहुजा स्पीकिंग। हेलो हेलो डैडी, मैं राहुल बोल रहा हूँ। हाँ राहुल कैसे हो, बोलो सब ठीक है ना? नहीं डैड, यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ राहुल, साफ साफ बताओ बात क्या है। डैड हम लोग यहाँ बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। मुसीबत? कैसी मुसीबत, हुआ क्या है? डैड सुभानगढ़ रेस्ट हाउस की हवेली हम लोगों के लिए पुलिस का लॉकअप बन गई है। ये क्या बात कर रहे हो तुम? क्या बात है जी, मेरा राहुल तो ठीक है ना? डैड हमारे साथ आई हुई एक लड़की का मर्डर हो गया है। मर्डर हो गया? तू ठीक है ना? हाँ डैड, कातिल कौन है, उसका मकसद क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा डैड। और तो और हवेली के वॉचमैन की बेटी को भी किसी ने मार दिया है। क्या? हाँ डैड, पुलिस को ये डाउट है कि हम में से कोई कातिल है, और जब तक पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर लेती तब तक हम यहाँ से नहीं निकल सकते हैं। ये तो वाकई प्रॉब्लम वाली बात हो गई राहुल, फिर भी तू घबरा मत बेटा, मैं कुछ करता हूँ। ओके? हाँ डैड प्लीज जल्दी कुछ कीजिए डैड। तो बिल्कुल फिक्र मत कर राहुल, मैंने कहा ना कि मैं कुछ करता हूँ तो मैं जरूर करूंगा। ओके ठीक है डैड, डोंट वरी, टेक केयर सन। ओके बाय बाय। क्या हुआ मेरे राहुल को? मेरा राहुल तो ठीक है ना? राहुल तो ठीक है, लेकिन जहाँ वो लोग गए वहाँ कुछ मर्डर्स हो गए और पुलिस ने बेफिजूल हैरेस करे, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है भाई। दिलावर जी, भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ओबेराय हमारे साथ डबल क्रॉस कर रहा है, पासा यहाँ फेंक रहा है और चाल वहाँ चल रहा है? चाल क्या चलेगा भाई, हुकुम का इक्का तो आपके पास है। हेलो, हाँ एक मिनट, आपका फोन। हेलो, हाँ बोलो। क्या? अच्छा, इसका मतलब है कि मुझे अभी सुभानगढ़ पहुंचना होगा। देखो कुछ भी हो जाए उसका बाल बांका नहीं होना चाहिए, समझे? हाँ मैं पहुंच रहा हूँ। अबे कहाँ ना पहुंच रहा हूँ, हाँ पहुंच रहा हूँ। दिलावर जी, मेरा शक सही निकला, ये साला ओबेराय 2 बाप की औलाद है, मेरे साथ गेम खेलता है। अब मैं इसे बताता हूँ कि केके के साथ गेम खेलना कितना भारी पड़ेगा। सुनो, फौरन सुभानगढ़ चलने की तैयारी करो। ठीक है। Thank you.
बताना सोनू को, बता, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। चुप मिस्टर राहुल। क्या हुआ मिस्टर राहुल? चल इंस्पेक्टर साहब, यही है कातिल, यही है वो आस्तीन का सांप जिसने पहले पिंकी को, फिर ज्योति को और आज सोनू को भी मार दिया है। छोड़ दीजिए आप, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अगर ये कातिल है तो इसे सजा जरूर मिलेगी। आप मुझे पूरी बात बताइए। मैं और प्रिया अपने कमरे में थे इंस्पेक्टर साहब, तभी सोनू की चीखने की आवाज सुनकर हम लोग नीचे आए तो देखा खून से लथपथ सोनू की लाश पड़ी है और ये कमीना ऊपर से आ रहा था। मिस्टर राहुल, आप मुझे एक बात बताइए। इंस्पेक्टर साहब, अभी भी आप हमें पे शक करेंगे जबकि यहाँ तीन तीन कत्ल हो चुके हैं और कातिल आपकी आंखों के सामने खड़ा है। कातिल और मेरे सामने? कौन है वो? जानकर अनजान मत बनिए इंस्पेक्टर साहब, ये सारे खून इस विक्की ने किए हैं। कूल डाउन, कूल डाउन। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं ये सारे खून किसी ने किए हैं? इसके कातिल होने का सबसे बड़ा सबूत ये है इंस्पेक्टर साहब कि ये हमें ऐसी मनहूस जगह पर लेके आया ताकि ये अपना घिनौना और भयानक खेल आसानी से खेल सके। मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ मुन्नू, छोड़ इसे। ये मेरे सोनू का कातिल। ओके, कूल डाउन, कूल डाउन। हौलदार, लाश गाड़ी में रखो। मिस्टर राहुल, आप ऐसा कुछ भी नहीं करना जिसकी वजह से आप इस कुत्ते में उलझ जाएं। रिमेंबर दैट, ओके? मुझे तो लगता है कि ये इंस्पेक्टर भी विक्की से मिला हुआ है। हेलो माइकल, बोल रहा हूँ मेरा सेठ। ये तुम क्या बेवकूफाना हरकत कर रहे हो वहां? अरे जिस लड़की को मारना था उसे छोड़कर तीन खून कर दिए। मुझे लगता है तुम्हारे पास की बात नहीं है, मुझे ही वहीं आना पड़ेगा। नहीं ओबेरॉय सेठ, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, आज रात आपका काम हो जाएगा। सोच लो माइकल। माइकल सोचता नहीं सेठ, सिर्फ करता है। माइकल ने जो कह दिया समझो कर दिया। ठीक है, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। मैंने कहा ना सेठ, आज रात हर हाल में आपका काम हो जाएगा। ओके। हेलो। हाँ विक्की, अभी तक तो सब ठीक है लेकिन आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ आप बेफिक्र रहिए, मैंने जिस काम का जिम्मा लिया है अंजाम तक जरूर पहुंचाया है। किसका फोन था विक्की? किसी का नहीं। विक्की, मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूँ किसका फोन था? मैंने कहा ना किसी का नहीं। कमीने, मैं ये जानता हूँ कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे सिर्फ तेरा हाथ है, सिर्फ तेरा हाथ है कमीने हरामखोर। क्या बकता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है तू? पागल मैं नहीं विक्की, तू हो चुका है तू, इसीलिए तू मासूम जिंदगी के साथ खेल रहा है। राहुल, माइंड योर लैंग्वेज।
आने वाला था ना। मुन्नो तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया ऐसा? बोल मुन्नो बोल, क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया तूने ऐसा? मुन्नो क्यों किया? क्यों किया मुन्नो तूने ऐसा? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया तूने ऐसा मुन्नो? क्यों किया? क्यों किया मुन्नो तूने ऐसा? क्यों किया मुन्नो? क्यों किया? क्यों किया मुन्नो? मुन्नो, ए मुन्नो, क्यों करता रहा तू ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? राहुल, ये तो मुझे नहीं मालूम राहुल, मैं ऐसा क्यों करता? क्यों मैं ऐसा करता? क्यों रात होते मैं वशपन का शिकार बन जाता हूँ? क्यों मैं ऐसा करता हूँ? क्यों? क्यों रात होते मैं वशपन का शिकार हो जाता हूँ? क्यों मेरे दिल के अंदर अब तक वो आग जल रही है जिस आग में जलकर मेरा बचपन राख हो गया? क्यों? 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 मुझे ही जन्म देने वाली, मेरे ही मारे, मेरे ही दिल में प्यार की जगह नफरत का लावा भर दिया। एक दिन तू मेरे से सवाल करेगा, अपनी माँ से सवाल करेगा, मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, किसके साथ आते बिताती हूँ, तुझे क्या करना है, जा मर। हरामी की औलाद कहीं का? अरे तेरा बाप मरते मर गया लेकिन मुझसे उसने कभी सवाल नहीं किया, तो तू कौन होता है मुझसे सवाल करने वाला? हरामी की औलाद कहीं का? अब छोड़ो ना डार्लिंग, क्यों मूड खराब कर रही हो? ये लो बैग, पियो, मूड को ठीक करो। आओ चलो डार्लिंग, जा मर यहाँ पे। आओ तो मूड खराब कर ली तुम। आओ डार्लिंग, मैं तुम्हारा मूड बनाता हूँ। चलो ये वही ना बाप। अरे मेरे जान, अभी मैं तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ।
मामूली सी खरोच भी आ गए तो मेरी रातों की नींद हराम होती है, और तूने इसे मार कर मुझे जीते जी मार देना चाहा। देख इसकी तरफ देख, मौत की दहशत ने इसके चेहरे का रंग किस कदर बदल दिया है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसमें इतना चौंकने की क्या जरूरत है? तुम्हें मारने के लिए माइकल को मैंने ही भेजा था। लेकिन ऐसा क्यों पापा? क्योंकि तेरी जिंदगी मेरे ख्वाबों के आगे सबसे बड़ी दीवार है। मेरा वश चलता तो मैं तुम्हें बचपन में ही मार देता। वैसे तुम्हारी माँ को मैंने ही मारा था। जाना चाहते हो क्यों? क्योंकि उसके पास बेशुमार दौलत थी, और उस दौलत को हासिल करने के लिए मैंने उसे विधवा के साथ शादी की थी। वैसे तुम्हारी माँ की चालाकी ने तुम्हें मुझसे 18 साल तक बचा कर रखा, लेकिन आज मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को जहन्नम पहुंचा के ही रहूंगा। बदलते हो तुम, गिरगट में तुम्हें देखकर शर्मा जाए। लेकिन तुम ये भूल गए कि जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो हम वहां के प्रिंसिपल रह चुके हैं। मुझे तो तुम पर उसी दिन शक हो गया था जिस दिन बड़ी आसानी से तुमने अपनी बेटी का सौदा मुझसे कर लिया था, और मैंने तुम्हारे अंदर छुपी हुई मक्कारी को तुम्हारी इन दो आंखों में पढ़ लिया था। इसलिए मैंने एक ऐसा मोहरा तैयार किया जिसके दम पर तुम अपनी बाजी जीतना चाहते थे। माइकल, माइकल तुम्हारा मोहरा नहीं बल्कि मेरा भेजा हुआ हुक्म का गुलाम है। तुम्हारी जितनी भी चालें थी सब यहीं खत्म हो गई। अब मेरी बारी है, देखना किस तरह तुम्हारे ख्वाबों के महल को खंडर बनाता हूँ मैं। टोनी। हाँ भाई। मेरी होने वाली बहू तेरी राह देख रही है, जा। मेरी पिकनिक तो आज मैं मनाऊंगा। कुत्ते की तुम 12 साल तक गाड़ के रखे, जब निकाली तो टेढ़ी की टेढ़ी। चलो बाहर आ जाओ। चल तुम लोगों को मुझे देखकर ताजुब हो रहा होगा ना। एक तरफ के शहर का नामी गुंडा जो दौलत की खातिर अपने भाई की शादी इस लड़की से कराना चाहता है, और दूसरी तरफ ओबरॉय एक सौतेला बाप जो दौलत की खातिर अपनी बेटी को बेचना चाहता है। वाह, इसे कहते हैं जोड़ी नंबर वन। अहूजा, ये तेरी अदालत नहीं है जहां तू बहस करके अपने मुकदमे जीतता है। आज तू जिस अदालत में खड़ा है वहां का गवाह भी मैं हूँ, वकील भी मैं हूँ, और जज भी मैं हूँ। इसलिए तेरी जिंदगी का फैसला भी मुझी को करना है। अरे तू क्या मिटाएगा के जिसका सारा वजूद जुल्म की नींव पर टिका हो। सच्चाई की हवा का एक झोंका काफी है तुझे मिटाने के लिए। कमान कमान ड्रॉप द गन। मेरे टुकड़ों पे पलने वाले कुत्ते, आज तूने अपना रंग बदल दिया। अगर मैं अपना रंग नहीं बदलता ओबराय तो तुम दोनों की रंजिश में मेरा बेटा बलि चढ़ जाता। तुम्हारा बेटा? हाँ ओबराय।
राहुल मेरा बेटा है। चलो अच्छा हुआ, बाप और बेटे के मुकद्दर में एक साथ ही मरना लिखा है। मेरे मुकद्दर की फिक्र मत कर के, लेकिन मैं तुम लोगों की तरह कानून को अपने हाथ में नहीं लूंगा। अभी कुछ ही देर में पुलिस बराती बनकर तुम लोगों को लेने आएगी। डोंट मूव। पुलिस तो जरूर आएगी अहूजा, लेकिन तुम सब की चिताएं जलने के बाद। ड्रॉप द गन, आई से ड्रॉप द गन। अब पुलिस बराती बनकर नहीं आएगी, लेकिन हम तुम्हारी अर्थी को कांधा देकर तुम्हारी मौत का जश्न जरूर मनाएंगे। तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब बाप और बेटे की चिताएं दोनों एक साथ जलेंगी। रोनी। हाँ भाई। बेटे मेरी तरफ मत देख, जाने जैसे क्या। अरे ले जा 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 जा। मैंने मार दिया। मैंने मार दिया। साहब जी यही था मेरी लड़की का कातिल, मेरी बेटी ज्योति को मारने वाला यही था। साहब जी मैंने मार दिया इसको। मैंने बदला ले लिया। मैंने बदला ले लिया। माफ कर देना, मैं गुनेगार हूं, तुम सबका गुनेगार।
मैं क्या करता यार, मैं तो अपने होश में नहीं था ना। हो सके तो मेरे गुनाहों को मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ के मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। तूने क्या किया विकी, तूने क्या किया? नहीं विकी, नहीं नहीं विकी, नहीं विकी, नहीं विकी, मुझे माफ कर दे विकी। मैं आज तक तुझे गलत समझता रहा, तू इस तरह हमारा साथ छोड़कर नहीं जा सकता विकी। बस यही तक साथ था। नहीं विकी, तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता विकी, तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं विकी, नहीं।